हेलो पार्सिस, वेलकम टू गुरु मंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं द सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर। मैसेजेस फॉर पार्सिस। Master, Eight of Stars. Five of Swords. And the Hermit. Finally, Five of Wands के साथ कोई इस रिलेशनशिप के लिए लड़ने को तैयार है और खड़ा होने को तैयार है, क्योंकि अब इस पर्सन को लगता है कि आपके हेल्प के बिना या आपके बिना रहना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। या आप मास्टर का कार्ड देख रहे हैं, इस पर्सन को पता है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते। आप इनको कंप्लीट करते हैं और आप इनके लिए एक सोर्स हैं। ओके, एक तरीके से आप हेल्प हैं। हेल्प इन द सेंस कि आप इनको बेटर फील करवाते हैं, आप इनका एनर्जी का सोर्स हैं, आप इनकी पॉजिटिविटी का सोर्स हैं, और एक मोरल सपोर्ट और मोरल करेज की जो इन्हें ज़रूरत है वो भी इन्हें आप ही से मिलता है। और लवर तो आप इन द फर्स्ट प्लेस है ही हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आप ही उन्हें गाइड कर सकते हैं, आप ही उन्हें एक अच्छा जीवन दे सकते हैं, और आपसे बेहतर उनके लिए कोई नहीं है। ये काफी लंबे समय के बाद हुआ सकता है, क्योंकि एट ऑफ स्टार के साथ यहाँ पर मुझे लगता है कि इस पर्सन को ये डिसीजन लेने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि ये बहुत सोच समझ कर चलने वाला इंसान है। एंड शायद ये सबकी बातों को सुनते हैं, सबकी बातों के बारे में सोचते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं, और इसीलिए शायद इन्हें इतना वक्त लगा है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी तक सबको एक पेज पर लाने की कोशिश कर रहा था, सबको एक पॉइंट पर अग्री करने की कोशिश कर रहा था। ये सोच रहे थे कि सब मान जाएं तो अच्छा है, पर जब उन्हें लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, तो ये पर्सन यहाँ लड़ने को तैयार है। ओके, वो हार नहीं मानना चाहते, वो इस सिचुएशन पर जीतना चाहते हैं। और फाइनली ये पर्सन परेशान हो गया है आपके साइलेंस से भी। शायद उन्हें आपकी नाराजगी झेलनी पड़ रही है। द हर्मिट का कार्ड आप देख रहे हैं, ये पर्सन अकेला फील कर रहा है। इनको समझ में आ गया है कि इनका एक्चुअल वेल विशर कोई नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी भलाई चाहता हो, और अंत में इन सब लोगों में से कोई भी उनके साथ नहीं रहेगा। उन्हें पता है कि उन्हें अपने बारे में सोचना होगा, अपना फ्यूचर देखना होगा। फाइनली इस पर्सन की आंखें खुल गई हैं एक लंबे समय के बाद, और इन्हें पता है कि अगर ये आपको भी नाराज कर देते हैं या इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं करते, तो फिर वो वाकई में द हर्मिट के फेज में पूरी लाइफ रह सकते हैं। आई डोंट थिंक कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को खोना चाहता है। इनफैक्ट अब उन्हें पता है कि पानी जो है वो नाक तक आ गया है। इसका मतलब कि अब काफी समय बीत चुका है इस रिलेशनशिप में, और आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कमिटमेंट, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको प्रपोज करें या किसी और तरीके का अप्रूवल, एंगेजमेंट या कुछ भी। एंड ये पर्सन जानता है कि अब आपको बातों से बहलाया नहीं जा सकता, या फिर आपको वेट और नहीं करवाया जा सकता,
तो द हर्मिट के कार्ड के साथ डेफिनेटली ये कोशिश जरूर करेंगे कि चीजें बदल जाए, ये कुछ कर सके इस सिचुएशन में। तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन इस बार आपकी साइड लेगा, और आप नहीं भी जानते हो तो आपके पीठ पीछे बहुत कुछ चल रहा है। ये पर्सन आपके लिए आर्ग्यू कर रहा है दूसरे लोगों से। ओके, ये ऐसा है कि जैसे आपके बारे में कुछ अगर कोई गलत कहता है या बुरा कहता है तो ये पर्सन तुरंत उसे काउंटर करता है और ये समझाने की डेफिनेटली कोशिश करता है कि ये उनकी लाइफ है और आप उन्हें बहुत पसंद है। इस तरह से आपके बारे में बातें नहीं की जा सकती और इन द एंड उन्हें ही आपके साथ रहना है, तो इस रिलेशनशिप से दूसरों को ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू ऑफ मून, डेथ इन रिवर्स, टेन ऑफ स्टार, फोर ऑफ मून। यहां पर टू ऑफ मून है, टू ऑफ मून के साथ आपकी फ्रेंडशिप फिर से स्ट्रांग होगी क्योंकि ये पर्सन दोबारा आपको अप्रोच करेगा। आप डेथ का कार्ड रिवर्स में देख रहे हैं। अगर आपका रिलेशनशिप नीचे नीचे और नीचे जाता ही जा रहा था या आप और टफ फेज में आते ही जा रहे थे और आपको लग रहा था कि यहां से अब ये कभी ठीक नहीं होगा या ऊपर नहीं जाएगा, तो ये पर्सन इस प्रोसेस को यहां पर रोक देगा। ओके, यहां से और सिचुएशन आपके लिए और खराब नहीं होने वाली है क्योंकि टू ऑफ कप्स के साथ आप दोबारा से इस पर्सन का फ्रेंडशिप प्रपोजल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता ये पर्सन डायरेक्ट पॉइंट पर आएगा क्योंकि वो चीजों को थोड़ा नॉर्मल करना चाहेंगे पहले, क्योंकि उन्हें इस बात का भी डर है कि वो रिजेक्ट भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन थोड़ा स्लो जाना चाहेगा एंड आप जानते हैं कि इसके पीछे क्या है। यहां आप हार्ट देख ही रहे हैं, तो यहां फ्रेंडशिप से बहुत दूर एक चीज है जिसको हम कहते हैं एक डीप कनेक्शन, और ये पर्सन उसी पॉइंट पर आना चाहता है। फ्रेंडशिप एक बहाना है और यहां टेन ऑफ स्टार्स है। टेन ऑफ स्टार्स के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी तरीके का प्रपोजल और किसी तरीके का सेलिब्रेशन। ये पर्सन शायद आपको किसी तरीके का प्रपोजल दे या अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स से मिलवाना चाहे या आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहे। हो सकता है किसी मूवी के लिए जाए, कहीं डिनर के लिए जाए, और इसलिए ये टेन ऑफ स्टार्स यहां आया है। आप अपने रिलेशनशिप को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस नई बिगनिंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और यहां पर फोर ऑफ मून्स भी है। फोर ऑफ मून्स के साथ आप फाइनली पूरा फील करेंगे, कंप्लीट फील करेंगे। हो सकता है आपको बहुत समय से ऐसा लग रहा हो कि आप कोई चीज एंजॉय नहीं कर पा रहे, सब कुछ खाली है या एम्प्टी है, और आपके पर्सन को भी ऐसा ही फील हो रहा था, पर लंबे समय के बाद आपको अच्छा फील होगा। हालांकि आप ये सोचते रहेंगे कि अब इस पर्सन का आगे क्या स्टेप होगा, क्योंकि ये पर्सन डायरेक्टली अपने दिमाग की बात नहीं बोल रहा है, ये चीजों को पहले थोड़ा सा नॉर्मल करना चाहता है। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। महावतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स। आपका जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो बढ़ रहा है, आपकी वाइब्रेशंस और आपकी एनर्जी इस वक्त हाई है,
आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि चीजें किस तरह से कनेक्टेड हैं और आपकी सोल एक तरीके से एक्सपैंड कर रही है. ओके, तो ये थी रीडिंग आपके अक्टूबर के सेकेंड वीक की. आई होप आपको अच्छी लगेगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.